Assalamualaikum gentlemen. Hello, how are you? I hope you're right and you'll be fine. So as you know that we have started a tense course and today's our topic is past perfect positive tense. आज के टॉपिक पे हम सीखेंगे कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पॉजिटिव वाला पार्ट्स होता है हम इसको किस तरह से आसानी से सीख सकते हैं और इसके थ्रू हम इंग्लिश बोल सकते हैं। तो जिस तरह के आपको पता है कि सब जो मोस्ट क्रूशल थिंग होती है वो होती है किसी भी टेंस का फार्मूला। फार्मूला के सीखने के बाद वो टेंस काफ़ी आसान हो जाता है हमारे लिए। तो आते हैं ज़रा इस टॉपिक की तरफ। हमारे पास जो है ना पास्ट, पास्ट का मतलब माजी होता है और परफेक्ट यानी कि मुकम्मल, वो एक्शन जो माजी में मुकम्मल हो, यानी कि जो पास्ट हो और मुकम्मल हो, परफेक्ट हो, यानी कि फिनिश हो चुका हो, वो इस टेंस में हम सीखेंगे। साथ में पॉजिटिव वाला पार्ट है यानी कि उसमें कोई निगेशन वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ना ही इंटरोगेशन होगा, जस्ट ओनली पॉजिटिव पार्ट होगा, तो हम वो आज डिस्कस कर रहे हैं। फार्मूला, फार्मूला के मुताबिक इस टेंस में जो सबसे पहली चीज़ होगी वो सब्जेक्ट होगा। हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या चीज़ है, सब्जेक्ट किन चीज़ों से बना है? सब्जेक्ट नाउन से बना है और साथ में प्रोनाउन से बना है। प्लस हम क्या करेंगे, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट का जस्ट ओनली वन हेल्पिंग वर्ब है और वो सिर्फ हैड है, H-A-D, had। ये पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, हम इसके बाद ये लगाएंगे। इसके बाद हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, आते हैं इसको एक दफा फिर एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे, फिर हम हैड लगाएंगे और हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लगाएंगे, फिर लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, अब इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं कि हम आई, वी, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन के साथ हम क्या करेंगे, जस्ट ओनली ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैड। चाहे वो आई हो, चाहे वो ही हो, चाहे वो शी हो, चाहे वो वी हो, जो भी हो, हमने जस्ट ओनली हैड लगाना है इन सारे के साथ। चलो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं, इस सीखते हैं, इसको फिक्स अप करते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए हमें। फर्ज करें मैं लेता हूँ वी, हेल्पिंग वर्ड में इज अ हेल्पिंग वर्ड लेता हूँ, फार्मूला के, फार्मूले के मुताबिक हेल्पिंग वर्ड में लेता हूँ वी, हैड पर लगाऊंगा वी हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाऊंगा। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि हम में जीत चुके थे, वी हैड वन, विन इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, विन, सेकंड इज ऑल्सो वन एंड वन, सो we had won the match, we had won the match। अच्छा एक और मिसाल देते हैं he के तौर पर, he had written the letter, he had written a letter, last में full stop। अच्छा he आप देखे subject है, had helping verb है, written third form of the verb है, last में हमारे पास object है। अच्छा एक दफा फिर इसको repeat after करते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सके। हमारे पास आज का topic है past perfect tense, उसमें हम positive वाला part इस्तेमाल करते हैं करेंगे। formula कुछ इस तरह है कि हमने सबसे पहले subject लगानी है, subject के बाद head लगानी है, फिर third form of the verb और last में हमने object लगाना है।
आई वी यू ही शी इट दे, चाहे जो भी टेंस हो, जो भी नाउन सब्जेक्ट में नाउन हो या प्रोनाउन हो, हमने हेड लगाना है। अच्छा, इसके बाद हमने वी, एक एग्जाम्पल मैंने दिया है वी हैड वन लमेज, और दूसरा एग्जाम्पल है ही हैड रिटन अ लेटर। तो ये इंतहाई आसान टेंस था और इंतहाई ईजी था। इसके थ्रू इंग्लिश हमारे, जब हम उसको कम्युनिकेट करते हैं तो ये बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। हम जब भी इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आई हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरी, डाउट और एनी काइंड ऑफ प्रपोजल यू वॉन्ट टू गिव एंड यू वॉन्ट टू शेयर विद अस। एंड वन थिंग मोर, if you face any kind of difficulties or problems regarding English grammar, you can just only contact us directly or drop your comment, so we'll sort out your problem. We'll meet inshallah in next video. God bless. Assalamu alaikum gentlemen, I hope you're right and you'll be fine. Jis tarah ki aapko pata hai ki hum tense course shuru kar chuke the aur टेंस कोर्स के थ्रू ही हमारे साथ इंग्लिश लैंग्वेज, जो हम स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज जो बोलते हैं अंग्रेज़ों की तरह, या अंग्रेज़ों से जो हम इंग्लिश बोलते हैं, इसमें हम बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। यानी कि उस ब्लंडर्स ऑफ या मिस्टेक्स को अगर हम रेक्टिफाई करना चाहे या ठीक करना चाहे, तो टेंस हमारे पास उसको एक जीनी के तौर पर, यानी कि एक सीढ़ी के तौर पर काम दे सकता है। अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक है पास्ट परफेक्ट, यानी कि जो पास्ट है, माजी है और साथ में परफेक्ट, यानी कि मुकम्मल, वो एक्शन जो कि माजी में हो और मुकम्मल हो और साथ में नेगेटिव, नेगेटिव मीन नफी होगा। इसमें इस अमल की क्या होगी, नफी होगा। परफेक्ट मतलब मुकम्मल, तो पास्ट परफेक्ट और साथ में नफी होगा और टेंस ही जमाना है। अच्छा, फार्मूला बहुत अहम है। फार्मूला के बगैर किसी भी टेंस को याद रखना या सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। फार्मूला के तौर पर सबसे पहले हमारे पास इस सब्जेक्ट में क्या है, इस टेंस में, यानी कि फार्मूला के तौर पर सब्जेक्ट होगा। फिर इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, जो कि जस्ट ओनली एक वर्ड है और है हैड। इसके बाद हम क्या करेंगे, निगेशन, नॉट लगाएंगे, और इसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस लास्ट में हमारे पास से जस्ट ओनली ऑब्जेक्ट बचता है और हम ये लगाएंगे। अच्छा, आप अगर जरा ध्यान से देखें, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होगा, फिर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगा, साथ में निगेशन होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। अब चाहे हमारे पास आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी या इट हो, सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स चाहे वो भी हो, हम इसके साथ जस्ट ओनली ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैड है, हम ये लगाएंगे। चलो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं, ताकि हमें और क्लियर होता चले जाए। मैं फॉर एग्जाम्पल ये आई लेता हूँ, एक हेल्पिंग, एक प्रोनाउन के तौर पर तो मैं इस्तेमाल करूँगा आई, और फॉर्मूले के मुताबिक मेरे पास जो दूसरी चीज़ है वो हैड है। तो आई पुट हैड ओवर हियर एंड देन नेक्स्ट थिंग इज नॉट, सो आई पुट नॉट, आई हैड नॉट, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड एग्जाम्पल कि मैं इस्तेमाल करूंगा प्लेड, आई हैड नॉट प्लेड, एंड लास्ट वन इज क्रिकेट। सो आफ्टर दिस एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एन अनदर एग्जाम्पल टू कम्प्रिहेंड दिस टॉपिक थॉरली। ही को मैं बतौर प्रोनाउन लेता हूँ अगेन, और मैं यहाँ सब्जेक्ट को मैंने ही लिया, हैड मैंने अगेन फार्मूले की अकॉर्डिंग यूज़ किया, और देन आफ्टर मैंने नॉट पुट किया, नॉट की बात थर्ड फॉर्म थर्ड फर्स्ट करे, मैं लिखता हूँ रीड ओके, एंड देन आफ्टर न्यूज पेपर ओके।
चलो इसको एक दोबारा रिपीट आफ्टर करते हैं ताकि ये सब कुछ हम आसानी से सीख सकें। पास्ट परफेक्ट नेगेटिव टेंस हमारे पास है, यानी कि मुकम्मल, और टेंस जो हाल उसमें किसी एक्शन मुकम्मल हो, साथ में वो माजी में हो और निगेशन में हो। फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको पता है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इसके बाद हमारे पास हेड होगा जो कि इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद हमारे पास निगेशन लगेगा और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ यू वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा। इस टेंस में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, चाहे सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन हो, इसके साथ हम जस्ट ओनली हैड लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आई लिया सब्जेक्ट, हैड लिया फॉर्मूले के मुताबिक, नॉट फॉर्मूले के मुताबिक प्लेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड लास्ट वन इज क्रिकेट, यानी कि ऑब्जेक्ट मैंने लिया। सेकंड एग्जाम्पल के थ्रू ही को मैंने अगेन मैंने प्रोनाउन लिया सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट को निगेशन, साथ में रीड, यानी कि रीड खुद भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, न्यूज़पेपर। सो आई हैडन प्लेड क्रिकेट इन, ही हैडन रीड न्यूज़पेपर। सो आफ्टर दिस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। So if you have any kind of questions, suggestion, queries, and any kind of doubts, you can just only contact us directly or drop your suggestion in the comment box. Inshallah, I'll reply you very soon. Welcome, gentlemen. I hope you're right and you'll be fine. So, as you know that we have initiated the English tense courses, and as you know that without tense, it is very much impossible for us to speak English and to conversate with the foreigners. So, aaj ki video mein hum seekhenge past perfect interrogative tense, यानी कि वो tense जो past में हो, यानी कि माजी में हो, साथ में perfect हो, यानी कि मुकम्मल हो, और इसके साथ साथ हमारे पास वो action जो हो interrogation में हो। interrogation mean question mark में हो, यानी कि जिसमें हमसे कोई question पूछा गया हो, यानी कि past perfect interrogative, और साथ में वो यानी कि tense। आए चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। आपको पता है कि किसी भी टेंस का फॉर्मूला निहायत ही अहम होता है, और वो उस टेंस का बैकबोन होता है, यानी कि टेंस का ओरिजिन क्या होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास इस टेंस में जो कि इसका हेल्पिंग वर्ब था वो कौन सा लफ्ज़ था, हैड था। इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब हैड वो सबसे पहले लगेगा। इसके बाद क्या लगेगा, हैड के बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट टेंस है, और हम परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। आए चलते हैं इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। हैड हमारे पास इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको हम पहले लगाएंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा। आए चलते हैं इसको हम थोड़ा और क्लियर करते चले। आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या, ही, शी, इट, और सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन, चाहे जो भी हो, ये टेंस जस्ट ओनली ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल होगा, चाहे वो हमारे पास सिंगुलर नाउन हो या आई वी दे हो या प्लूरल नाउन या ही शी इट हो, चाहे जो भी हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम जस्ट ओनली हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे। आए चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि हम ये और क्लियर होता चले हो जाए हमारे माइंड में। तो एग्जाम्पल हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, फार्मूले के मुताबिक मैं परस करे इस्तेमाल करना चाहता हूँ यू, तो मैं प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट यू मैंने इस्तेमाल किया। अच्छा, मेरे ये फार्मूले के मुताबिक जब मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, तो हमारे पास अगर आप गौर करें, यह हेल्पिंग वर्ब हैड है,
टेंसेस जो सेंटेंसेस हम इस्तेमाल करें, टेंस हम जिक्र करें इंटरोगेशन का, तो इसमें हमारे पास जो हैड है वो हम सबसे पहले लगाएंगे हैड फॉर्मूले के मुताबिक, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट परस करें मैं यू लेता हूँ हैड यू, फिर हमारे पास क्या होगा थर्ड फॉर्म के वर्ब हैड यू ड्रंक वाटर, Have you drunk water? Had हमारे पास, अच्छा had हमारे पास helping verb है, साथ में subject यानी कि you मैंने लिया, third form the verb drunk और last में object और सबसे जो last में हो है हमारे पास sign of interrogation यानी कि question mark. एक और example हम solve करते हैं यहाँ, परस करें मैं लेता हूँ he को, मैं सबसे पहले लगाऊंगा हैड क्योंकि हमारे पास इंटरोगेटिव क्वेश्चन इंटरोगेटिव टेंस हम जिक्र कर रहे हैं, तो हैड ही साइंड हिज पेपर, हैज ही साइंड हिज पेपर और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन. तो चले इसको दोबारा एक मरतबा फिर रिपीट आफ्टर करते हैं ताकि हम इस टेंस को और आसानी के साथ समझ सके. हमारे पास जो सबसे पहले टेंस है पास्ट परफेक्ट इंटरोगेटिव टेंस, यानी कि टॉपिक पास्ट परफेक्ट इंटरोगेटिव टेंस है. फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह है कि हम सबसे पहले हैड लगाएंगे, साथ में सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा. आई वी यू दे ही शी इट सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल जो नाउन या प्रोनाउन हमारे पास होंगी इसके साथ हम जस्ट ओनली हैड लगाएंगे. एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक दो एग्जाम्पल सॉल्व किए. हमने फॉर्मूले के मुताबिक सबसे पहले हैड लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर थर्ड फॉर्म थे और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट है. इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल में हैड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म थे और लास्ट में ऑब्जेक्ट है. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप इसे पसंद कर गए हो. अगर आपको इस तरह वीडियो की ज़रूरत है यानी कि आप इस तरह की वीडियो चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. अच्छा अगर आपको ग्रामर के मुतालिक अगर कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो या किसी भी किस्म का डाउट हो आप इजीली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आई होप यू आर राइट एंड यू विल बी फाइन. जिस तरह कि आपको पता है कि हम टेंस कोर्स शुरू कर चुके थे और आपको मैं टेंस की इम्पोर्टेंस बताता चलूं कि टेंस के बगैर इंग्लिश बोलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. तो आज ये वीडियो उस टेंस के यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का एक ही हिस्सा है. अच्छा आज हमारा टॉपिक है पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट का मतलब यानी कि माजी और परफेक्ट यानी कि मुकम्मल, यानी कि ये टेंस माजी में जो एक्शन हो वो कंप्लीट हो, मुकम्मल हो, उसको हम जिक्र करेंगे यानी कि डिस्कस करेंगे. साथ में नेगेटिव हो, नेगेटिव मतलब नफी में हो और इसके साथ साथ ये एक इंटरोगेटिव हो यानी कि इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क में हो और ये हमारे पास जो टॉपिक है वो माजी में हो, मुकम्मल हो, नेगेटिव में हो और साथ में इंटरोगेटिव हो, यानी कि कंपाइलेशन ऑफ इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स. सो फॉर्मूले के बगैर आपको पता है कि किसी भी टेंस को विदाउट फॉर्मूले के अगर हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी कि नॉटी चीज हो सकता है, यानी कि ये मुश्किल होता है हमारे लिए. अच्छा तो फॉर्मूले के मुताबिक सबसे पहली चीज हम तो इंटरोगेटिव बनाते हैं साथ में नेगेटिव बनाते हैं, तो हम इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ड है वो सबसे पहले लगाएंगे क्योंकि इंटरोगेटिव सबसे पहले होगा. अच्छा इसके बाद प्लस सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट की बात हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे जरा सोचे तो नेगेटिव लगाएंगे क्योंकि नेगेशन होगा. अच्छा नेगेशन के बाद हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और इसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट. अच्छा इसको जरा रिपीट आफ्टर करते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सके. सबसे पहले हम लगाएंगे हैड. हैड हम क्यों लगाएंगे क्योंकि ये इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है. अच्छा इसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या है
नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इसके बाद हम नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अच्छा, इसके बाद मैं एक क्लेरिफिकेशन करूं आप सबका, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, या इट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल नाउन हो, सबके साथ हेड लगेगा। क्लियर? सबके पास क्या लगेगा? हेड लगेगा। अच्छा, इसको अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू सॉर्ट आउट करें तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा, मोर इजी। सो एग्जाम्पल के तौर पर फर्ज करें, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जस्ट अ पीस, इट्स अ पीस ऑफ केक, सो डोंट वरी अबाउट इट। फर्स्ट फार्मूले के मुताबिक चलते हैं, मैं कभी भी फार्मूले से हट कर नहीं चलता, हमेशा फार्मूले के मुताबिक चलता हूँ, उससे ना ही दो कदम आगे ना पीछे। अच्छा, फार्मूले के मुताबिक हमारे पास सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है हैड, मैं हैड लगाऊंगा, कोई कई का मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगा हैड के बगैर, क्योंकि फार्मूला है। ओके, इसके बाद क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो हमारे पास यहाँ परस कर मैं पिक करता हूँ वी। ओके, सो हैड मैंने लगाया, इसके बाद मैंने सब्जेक्ट लगाया वी, आई पुट वी, एंड देन आफ्टर दिस द अनदर थिंग इज नॉट, सो नॉट में I'll put just only not, and after the third form of the word, फर्ज करें मैं अब खुद से बनाऊंगा, stand, stood, stood, so मैंने stood लगाया, had we not stood in class, क्या हम क्लास में खड़े नहीं हो चुके थे, उर्दू में इस तरह, क्या हम क्लास में खड़े नहीं हो चुके थे, had we not stood in class, अच्छा एक और एग्जाम्पल की तौर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं ताकि ये और क्लियर हो जाए। मैं लेता हूं, फिर मैं यहां लगाता हूं हैड, साथ में मैं सब्जेक्ट को लूंगा, आई को लेता हूं, या परस करे शी को लेता हूं, तो मैं हैड शी, साथ में फिर नॉट, हैड शी नॉट स्लेप्ट, हैड शी नॉट स्लेप्ट इन टाइम, क्या वो वक्त पर सो नहीं चुकी थी, यानी कि वो क्या वो वक्त पर सो नहीं चुकी थी, तो had she not slept in time, okay. I instance को एक दफा फिर रिपीट आफ्टर तक करते हैं ताकि हम इसको और आसानी के साथ समझ सके। हमारे पास आज का टॉपिक है पास्ट, पास्ट का मतलब माजी, साथ में परफेक्ट मुकम्मल, नेगेटिव नफी, इंटरोगेशन मीन इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क। फिर फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि हमने सबसे पहले हैड लगानी है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, साथ में सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट नाउन हो गया प्रोनाउन, फिर इसके बाद निगेशन नॉट लगानी है, और फिर देन आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड और ऑब्जेक्ट लगानी है हमने। आई वी यू दे, साथ में ही शी इट के साथ हमने हैड लगानी है। एग्जाम्पल मैंने दिया है हैड वी नॉट स्टूड इन क्लास, इन द अनदर एग्जाम्पल इज हैड शी नॉट स्लेप्ट इन टाइम। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई यू मेक इट श्योर दैट यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड आफ्टर दिस इफ यू हैव इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, इफ यू हैव एनी डाउट, question, suggestion, proposal, or any kind of advice you want to give to me, so you can directly contact me, or you can drop that in the comment box. So inshallah, Al-Aziz, I'll reply you soon.